वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जा रहा हूँ आज अपने गांव की ओर और आपको दिखाऊंगा मैं ब्लॉग यूट्यूब चैनल में डाल के। और यह देखिए नज़ारा, इस तरह नज़ारा कुछ। ये देखो सामने वाटर बह रहा है, वाटर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग हमने वाला है, हम जा रहे बुद्धि की ओर अपने गांव। और आपको दिख रहा होगा रास्ता, एकदम रास्ता ब्लॉग है। और ये देखिए गाड़ियां हमारे यहाँ तक, गाड़ियां खड़ा की हमने। और ये देखिए अब हम बुद्धि पहुँचेंगे, यहाँ से देखते आगे का नज़ारा कितना होता है। और शूज़ देखिए, इस वाले शूज़ में हम जा रहे हैं। स्नो बोर्ड हमने लिया है नहीं। और ये देखिए कैसा पत्थर है। आइए तो फिर आज का ब्लॉग, हम आए थे सवारी लेने लेकिन सवारी नहीं मिले। हम जा रहे अभी बुद्धि, और अभी तक इतना बर्फ आ चुका है। देखो बुद्धि के नीचे है ये देखिए, और ऊपर देखिए बहुत ही मस्त नज़ारा है। दलदल है, एकदम दलदल है यहाँ पे। और ये देखिए कितना बर्फ है। दिख रहा होगा आप, यहीं तक रोड है और यहाँ से बर्फ देखेंगे। बर्फ है और चारों ओर देखिए नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। आज हम बुद्धि भी घूम कर आएंगे, हम देखते हैं कहाँ तक होता है। जूते तो मेरे एकदम स्केट हो रहे। स्केट वाला जूता हो रहा है, स्केट। ये देखिए लामारी का नजारा, एकदम सुंदर। यहाँ पे गिर रही है पत्थर, हमें भागना पड़ेगा। ये देखिए बुद्धि, जय बुद्धि माटी। बर्फ से परेशान हो जिन लोग नीचे की ओर जा रहे, हम ऊपर की ओर आ रहे। गाइस क्योंकि यहाँ पे पत्थर गिर रहा है, क्योंकि मौसम साफ है, मौसम साफ भी है और बर्फ
पिघलना है और आपको इतना बढ़िया मौसम है अभी बुद्धि में। और जैसे बर्फ़ पिघलता है जो अटके हुए पत्थर होते हैं वो नीचे गिरते हैं, इसलिए हमें भागना पड़ रहा है। ये हमारा मित्र देश नेपाल का बॉर्डर है और ये इंडिया का है जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ। और देखिएगा आगे का नज़ारा, अगर बर्फ़ ज़्यादा गला नहीं होगा तो और सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखाऊंगा। और कुछ ही देर में गाइस वो दिखा नमजुम, देखिएगा आपको इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताऊं, बहुत ही मस्त शानदार नज़ारा है। और ये देखें बुद्धि का सुंदर नज़ारा, सुंदर नज़ारा। ये देखिए गाइस हम पहुंच चुके हैं बुद्धि घाट में है अभी, और गांव वाले कौन कौन है हम आपको दिखाएंगे। चल चलो देखते कौन कौन है। पहुंच चुके तिथि के होटल पे अभी। कैसा लग रहा है फिर बर्फ आ गए? मजे में हम लोग तो, आप बहुत ही मजे में। क्या लगाया तुमने ये? ये देखिए गाइस जैसे कि आपको दिख रहा होगा नमजुंग का पहाड़ एकदम बर्फों से ढक चुका है, एकदम वाइट लग रहा है, एकदम सुंदर नज़ारा। पहली बार देख रहा हूँ मैं नमजुंग का ऐसा अद्भुत नज़ारा। गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी बुद्धि गांव, और दीपू भाई भी मिल चुका है, और दीपू भाई ले रहा है अभी बुद्धि हमें घुमाने के लिए, और कुछ ही देर में हम निकलने वाले धारचूला। दीपू धालो चले यार, मजा आ रहा बोले यही। ये देखिए गाइस और गांव वाले कोई है नहीं अभी, और सब पे दुकानें बंद है। काकू का घर, हम चलते रहेंगे गांव की और थोड़ा सा ब्लॉग बना के, और हम आएंगे अपने रास्ते की ओर चलेंगे। और दिख रहा होगा आपको चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। ये करनिया क्यों मजा आ रहा है इधर पुत्री गांव में? ओ भाई आज ही पहुंचे हैं। त्रिपु भाई बहुत ही मजा, चल आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा बेस कैंप। बुद्धि तक घूम के आ रहे हम लोग। गाइस आपको दिख रहा होगा एकदम हिमी हिम है, और पाद आना बंद हो चुका है, और दीपू भाई गांव में मजा आ रहा है दीपू भाई को। ये देखो गांव का नजारा कुछ ऐसा है। एक्चुअली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी बुद्धि, और आपको दिख रहा होगा पार्क का नज़ारा एकदम जबरदस्त है, और अभी हम कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस रिकॉर्डिंग करेंगे।
ग्यारह फाइनल पहुँच चुके हम बुद्धे गांव पे और बहुत ही मजा आ रहा है। चारों ओर बर्फ पे बर्फ देखे और दीपू भाई भी एकदम। तो फिर गाइस फाइनली पहुंच चुके और गांव वाले वाईफाई का लुत्फ उठाते हुए और देखिए नमजुंग पहाड़ एकदम चमकता हुआ और ये देखिए बर्फ बहुत ही। और ये आपको दिख रहा होगा ये मेरे घर का रास्ता है। हम पहुंच चुके हैं बुद्धी में और देखिए नजारा बहुत ही मस्त नजारा है। और ये देखिए कुछ इस तरह बुद्धी गांव एकदम सुनसान हो चुका है। बहुत लोग धारला भी चले गए हैं, ज्यादा नहीं एक दो लोग हैं। व्यू तो ये पीछे का बहुत ही मस्त व्यू है। ये देखिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं अपने घर। अभी मैं अपने घर के बाहर हूं और दिख रहा होगा बर्फ बर्फ ही बर्फ है। और ये आपको दिख रहा होगा जहाँ पे इतना ज़्यादा बर्फ गिरा हुआ है, वो छत से गिरा हुआ बर्फ एकदम एक जगह एकदम डैम हो चुका है। और ये देखिए गांव वाले वाईफाई का मजा लेते हुए हमारे पोया और भी है अभी बैठे हुए आपको दिखाते हैं। देखिए गांव वाले वाईफाई का मजा लेते हुए और चारों ओर एकदम सन्नाटा। गाइस आपको मैं सुंदर सुंदर लड़कियां तो नहीं दिखा सकता लेकिन सुंदर सुंदर आपको व्यू दिखाऊंगा। ये देखिए एकदम सुंदर सुंदर नज़ारा, बहुत ही आपको लगेगा कि स्वर्ग लोक में पहुंच चुका हूँ। इतना अद्भुत नज़ारा तो मैंने देखा नहीं कभी। और हमारे नमजुम देवता एकदम चमक रहे हैं एकदम शाइनिंग में। ये देखिए बहुत ही बर्फ है नेपाल साइड। और ये देखिए बुद्धी गांव और ये देखिए नेपाल की वादियाँ इतनी शांत पड़ी हुई है और गांव भी एकदम शांत पड़ा हुआ है क्योंकि 50-60 लोग कल धासला की ओर निकल चुके हैं और गांव एकदम सुनसान सुनसान है। चारों ओर एकदम शांत वादी है। कोई भी अगर आना चाहता है एकदम शांत माहौल में ये सबसे बेस्ट जगह रहेगा बुद्धी गांव। और इससे ऊपर चाहोगे तो इससे भी मस्त मस्त नज़ारे आपको दिखेगा। एकदम बढ़िया बढ़िया वाला नज़ारा है इधर। और हम आपको दिखाते बर्फीले रास्ते ऐसे हैं, नज़ारे भी इतने खूबसूरत। वाह वाह यल्ला बेबी बहुत ही मज़ा।
हम अभी घर से नीचे पहुंच चुके हैं। तो फिर गाइस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और ऐसे प्यार मिलते रहेगा तो इससे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग में डालते रहूँगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय दोस्तों।